आमतौर पर हम एज इज जस्ट अ नंबर का मुहावरा किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो असल जिंदगी में इस मुहावरे पे कायम हैं और इस मुहावरे को सच साबित कर रहे हैं। राजौरी कस्बा में गुज्जर मंडी से डाक बंगलों की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे पे एक छोटे से कोने में पिछले 60 सालों से अब्दुल गनिया साहब बतौर मोची अपनी खिदमत दे रहे हैं। 80 साल की उम्र है और बुजुर्ग हैं, लेकिन इसके बावजूद रोजाना सुबह 8 बजे यहाँ पहुंचकर अपने इस छोटे से ठेले को खोलते हैं और शाम को 7 बजे तक बैठकर यहाँ लोगों को बतौर मोची अपनी खिदमत देते हैं। और इनका साफ कहना है कि 80 साल की उम्र में भी ये इसलिए मेहनत के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि ये ईमानदारी, लगन व अपने हाथों से काम करके कमाए जाने वाले पैसे से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है और आपके वालिद साहब का नाम क्या था? हमारा नाम अब्दुल गनी है, वालिद साहब का नाम सपाना है जी। आप बताएं कितनी उम्र होगी आपकी आज? सर 80 साल की उम्र है हमारी। 80 साल उम्र? 80 साल। कितने वक्त से आप यहाँ ये काम कर रहे हैं? छोटा बचपन से इधर काम करते हैं। बचपन से? कितना वक्त हो गया होगा फिर भी? 80 साल का होगा। 80 साल का। 80 साल। आपके एक पाँव में ये जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है आपके पाँव में, क्या दिक्कत है? ये आग में जल गया था। आग में जल गया तो छोटा से। कितने साल के थे जब आपको ये प्रॉब्लम हुई थी आग में, जब जला था पाँव? दो एक महीने था वो आग में, उधर आई नहीं थे कोई आग में, मैं सड़ गया। उसके बाद से आप एक ही पाँव के सहारे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं? आप एक पाँव के साथ चलते। वैसे कितना वक्त हो गया होगा आपको ये जो काम करते हुए एक मोची के तौर पे, कितने साल हो गए होंगे? 60 साल हो गया। 60 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, यहीं पे ये काम कर रहे हैं? यहीं पे। तो कितना घर में कौन कौन है आपका, कितना कमा लेते हैं, घर का गुजर बसर कैसे? घर का सर वो मांग कर खाते हैं, वो मांग कर सवेरे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। अगर आप पिछले 60 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, जब आपने काम यहाँ शुरू किया होगा तब यकीनन राजौरी शहर छोटा सा हुआ होगा, क्या शहर था, कैसा इलाका था 50-60 साल पहले? वो इधर तो राजौरी में ये रस्से का पुल था, रस्से के पुल पार जाते थे, टाकी में एक कच्ची कच्ची दुकान होनी थी, पार थाना से वो भी कच्चा होना सी, तहसील वो भी कच्चा होना सी, इसे सर ये ताई होने से पूरे ताई होने से राजौरी में। आज जिड़ा राजौरी है तो पहले जिड़ा राजौरी सी 50 साल पहले, कितना फर्क है शहर? आज तो सर जगह ही नहीं किसी पास निकलने नहीं की, आज तो शहर बन गया, आज तक डबल जमीन बन गया, लोगों ने डबल जमीन बना लिया, क्या करेंगे? रोज तुस कम करने हो इतना, कितनी परेशानी आनी है, पैर भी नहीं कम करना, उम्र भी है, फिर कम करने किया हो इतना? सर फिर क्या करेंगे, पेट पेट तो पालना ही है, क्या करेंगे? हमारे साथ थे 80 साल उम्र के एक बुजुर्ग अब्दुल गनिया साहब, जो कि पिछले तकरीबन 60 सालों से राजौरी कस्बा में एक मसरूफ गुज्जर मंडी सड़क से सटे हुए एक छोटे से कोने में पॉपुलर यानी कि मोची के तौर पे काम कर रहे हैं और पिछले 60 सालों से ये लोगों को अपनी ये खिदमत दे रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि इस उम्र में भी ये इसलिए काम करते हैं ताकि ये मेहनत करके रोजी रोटी कमा सके, क्योंकि इनके घर के हालत कुछ अच्छे नहीं हैं और ये इस हद तक मुतासिर हैं कि जब ये महज 2 माह के थे तब इनका एक पाँव आग में झुलसने की वजह से तबाह हुआ था और ये एक ही पाँव के सहारे अपनी अपने जिस्म को चलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ज़िंदगी की जंग नहीं हारी है। राजौरी से मैं सुमित भार्गव।